आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज वर्ल्ड कप में लीग स्टेजेस के अपने आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना होगा जिम्बाब्वे से। हालांकि 3 घंटे पहले तक इंडिया के लिए ये मुकाबला मस्ट विन गेम समझा जा रहा था, लेकिन तब तक साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मुकाबले का नतीजा नहीं आया था। नेदरलैंड्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे के साथ भिड़ंत होगी इंडिया की मेलबर्न में। दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार और अब भले ही ये मस्ट विन मुकाबला ना हो इंडिया के लिए, क्योंकि ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है टीम इंडिया, लेकिन आज अगर ये मैच जीतते हैं तो ग्रुप 2 को टॉप कर सेमीफाइनल तक जाएंगे और वहां पर फिर मुकाबला होगा 10 नवंबर को एडिलेड में इंग्लैंड से। ग्रुप को टॉप करना अब टीम इंडिया का, रोहित शर्मा की टीम का मकसद है। आखिरी लीग मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ और अब तक 4 मुकाबलों में 3 जीत मिली है इंडिया को। कपिल वशिष्ठ ने एक और रिपोर्ट फाइल की है फैंस के साथ, उस पर नजर डालिए। भारत बनाम जिम्बाब्वे के मुकाबले से पहले मेलबर्न में या हिंदुस्तानी फैंस में बहुत जोश है और इस बात को लेकर खुशी है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच गई है दक्षिण अफ्रीका के टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से। कुछ फैंस हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं, यहीं पे रहते हैं? मैं तो यहीं पे हूँ, लेकिन I'm coming from Hyderabad. It's been 3 years in Australia. 3 साल ऑस्ट्रेलिया में आके हम हैदराबाद से। और आपके साथ हम देख रहे हैं आपकी वुड भी है। मेरी वुड भी है। She is Australian. She is Australian. Yeah. You don't know Hindi? No, I don't. So you are supporting Team India? Yeah, I'm here to save Virat Kohli. Yeah. So had Australian team not been out of the World Cup and they would be playing India, whom would you have supported? I support both. Huh? Both teams. Both teams. Yeah. तो अभी आपकी जो वुड भी है, होने वाली जो पत्नी है आपकी, वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही है, भारतीय टीम को सपोर्ट कर रही है। She is supporting India now. Yes. तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बिल्कुल अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। घर में मुकाबला ना हो तो बेहतर है, वाइफ और हस्बैंड दोनों एक के लिए सपोर्ट करे तो बेहतर है। और हम सब चाहते हैं कि भारत जीते और हमारे दिल और हिंदुस्तान को फिर वापस लाटे। तो हु इज योर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर? कोहली। विराट कोहली? यस। यू हैव सीन हिम प्लेइंग? नो, फर्स्ट टाइम। नो, फर्स्ट टाइम? या। ग्रेट। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, तो आप बताइए, भारत पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है अब, लेकिन पहले उसके लिए पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा जी सेमीफाइनल। जी हाँ, ये बहुत एक्साइटिंग हो गया है वर्ल्ड कप अब साउथ अफ्रीका के बाहर होने से, बिकॉज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अभी जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्लस पॉसिबिलिटी है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, वो तो फिर मतलब बॉक्स ऑफिस हिट होने वाला है वो, सर अगर होता है तो। जी आप बताइए। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि सर अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल मैच होता है तो इसको ये मतलब ये ऐसी बातें कही जाती है कि मैच को मैच की तरह देखे, खेल को खेल की भावना की तरह से देखे, पर मैं बोलूँगा ये सब बातें फालतू है क्योंकि इंडिया जीतने वाला है, पक्का इंडिया जीतेगा। या, या। क्या लग रहा है आपको, विराट कोहली कमाल करेंगे? इंडिया जीतेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। आप बताइए किसको देखने आए? हम लोग विराट कोहली और हार्दिक पांड्या और यादव, सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार की यादव। विराट कोहली ने जैसी इनिंग खेली थी मैम पाकिस्तान के अगेंस्ट, वैसी इनिंग देखनी है? यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट वन, दैट वन आई वाज सो हैप्पी अबाउट दैट डे। राइट, कुछ और फैंस इस तरफ हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैम आप बताइए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मैच होने वाला है, डेफिनेटली वी विल बी इन द फाइनल और इंडिया इज गोइंग टू टेक दिस वर्ल्ड कप, सो इंडिया ही जीतेगा। ट्रॉफी आ रही है इस बार? ट्रॉफी, यस, पक्का ट्रॉफी इंडिया के पास ही आएगी और वी आर वेटिंग फॉर द इंडिया पाकिस्तान फाइनल एज वेल, सो होपफुली इंडिया एंड पाकिस्तान विन द सेमीफाइनल और इंडिया पाकिस्तान आएगी तो यू नो। और एक बात कहना चाहूँगा कि यू नो वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन वन प्लेयर ओनली, सो यू नो विराट कोहली हम बेशक सबको, हाँ सबको अच्छा करके। देखिए फैंस अभी से तैयार हैं उस भारत पाकिस्तान फाइनल के लिए जो अभी तय नहीं हुआ है, अभी पाकिस्तान को जीतना है, फिर हमें सेमीफाइनल जीतना है, पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, तो अभी बहुत राम कहानी बाकी है, लेकिन तैयारी हो गई है कि भारत पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हो गई है T20 वर्ल्ड कप से बाहर। अपडेट्स आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ मेलबर्न से जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। और MCG से अब मेरे साथ कपिल वशिष्ठ लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल, आज माहौल हमने देख लिया कि फैंस का जोश एकदम से हाई क्यों हो गया, क्योंकि थोड़ा समय से पहले ही हमें सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म हो गया, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को बाहर का रास्ता दिखाया, अब वो भारत पाकिस्तान फाइनल जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा उसके लिए राम कहानी अभी बाकी है। आज जो मुकाबला होने वाला है, याद रखना होगा कि ये वही जिम्बाब्वे की टीम है जिसने पाकिस्तान को हराया था। कपिल,
एब्सोल्युटली प्रीति, इसलिए भारतीय टीम बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी जिम्बाब्वे को, और मुझे लगता है कि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, तो जिस तरह से हम जीत रहे हैं वैसा ही क्रिकेट आज भी खेलना होगा। मुझे लगता नहीं टीम में कोई बदलाव आज होगा भारतीय टीम में, अगर कोई एक बदलाव हुआ तो आप यजुवेंद्र चहल को खिलाकर देख सकते हैं, उनकी लेग स्पिन कैसी है, आप उन्हें एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे सेमीफाइनल मुकाबले से पहले, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ी कमज़ोर है लेग स्पिन के आगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि जी न्यूज़ के दर्शक 2 मिनट दें ऑस्ट्रेलियन मार्चिंग बैंड को। प्रीति, आपको इन्हें सुनना होगा। आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्चिंग बैंड हमारे साथ है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम तो अब मेज़बान है, वो बाहर हो गई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप नाउ दैट द ऑस्ट्रेलियन टीम इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप, आर यू सपोर्टिंग इंडिया? ऑफ कोर्स। व्हाट यू आर गोना प्ले फॉर अस? आह, वी आर गोना प्ले क्रेजी इन लव। या प्लीज। या, लेट्स गो।